गीगाबाइट का एक बोर्ड है जो कि 110 का है और DS2 का है। मॉडल नंबर GA-H110M DS2 रिविशन इसका है 1.0। तो देखो इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। अभी सिंपल सा प्रॉब्लम को हम सिंपली तीन स्टेप इसको देखेंगे। तीन स्टेप में आपके पास अगर कोई बोर्ड हो तो फर्स्ट स्टेप में ही वो सॉल्व हो सकता है। दूसरा तो ये है, आपके पास कोई मतलब बोर्ड आता है तो या तो फर्स्ट स्टेप अभी जो मैं दिखाऊंगा उससे सॉल्व हो जाएगा, या फिर सेकंड स्टेप दिखाऊंगा उससे सॉल्व होगा, या फिर थर्ड स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, उससे पहले आपको जानना है कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जिन जिन लोगों के पास डिबग कार्ड है उनको ये समझने में बेहतर होगा, और डिबग कार्ड जिनके पास नहीं भी है वो भी समझ जाएंगे। कुछ सिम्टोम्स होते हैं जो कि देख के पता चलता है, आपको वो ही बस फॉलो करना है इस वीडियो में, जिनके पास डिबग कार्ड नहीं है और जिनके पास है वो भी देखो। तो ये है हमारा बोर्ड, इसमें रैम सीपीयू का कोई इशू नहीं है, पहले से मैं रिमाइंड दे रहा हूँ। ऐसी टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं रैम सीपीयू से नहीं आता है। तो B7 अभी कोर्ट पे रुका हुआ है ये बोर्ड हमारा, और डिस्प्ले इसका आउट नहीं हुआ। अभी देखो 6-2 आया, उसके बाद AB A9 करके आना था, फिर से ये रिस्टार्ट। फिर से हम देखेंगे, बजर ऑलरेडी लगाया हुआ है बोर्ड में, अगर डिस्प्ले आना तो B7 के बाद और 2 बार कोड वेरिएशन होने के बाद डिस्प्ले आता है 6-2, उसके बाद A9 फिर AB आता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप पहले से ही, डिस्प्ले आने से पहले 2 स्टेप जो कोड का वेरिएशन होता है उससे पहले ही ये बोर्ड रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। तो जाहिर सी बात है ये बायोस का प्रॉब्लम है, सबको पता है जो इस फील्ड में हो काम करते हो। तो आज मेरा जो कैंडी है ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जब से घर पे आया हूँ मतलब काम पे बैठा हूँ तब से ही, क्योंकि मैं घर पे हूँ अभी 2-3 दिन से, मेरा फीवर चल रहा है, थोड़ा सा सर्दी वाला बुखार है, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कतें हो रहा है काम करने में। फिर भी बहुत काम है, नहीं करूँगा तो बहुत प्रेशर आ जाएगा मतलब। तो देखो अभी जो केस देखा आपने ये बायोस से ही होता है। ठीक है, आपके पास अगर ये 110 में आ जाता है ऐसा, तो ये 110 नहीं, ये क्यों हो रहा है अभी देखो, ये इसके होने के पीछे एक रीज़न है, फिर से एक बार देख लो। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मेरा जो पीछे बैठा है अभी ये वीडियो बनाने नहीं दे रहा है मुझे। क्या है क्या है, तो बाद में इंट्रो दिलाते हैं इसको। ये भी देख रहा है ध्यान से, ये देखो पुकार रहा है, ये भी देख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सीख जाता है तो अच्छा है, 2-4 काम इससे भी करा लेंगे। देखो तुम बराबर देखो, सीखते रहो। ठीक है, तो ये देखो B7 के बाद ये और एक कोड वेरिएशन होगा C2 के बाद, ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करें इससे, अभी देखो फर्स्ट स्टेप है आपको एक जम्पर लेना है, ऐसे टाइप के जम्पर लेना है, सही है ये। तो सीमोस क्लियर सीमोस जो होता है, दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। तो ये है हमारा क्लियर सीमोस, तो ये क्लियर सीमोस के अंदर बायस का मतलब जो जम्पर है वो आपको डालना है, और बोर्ड में SMPS को पावर ऑन कर देना है। ठीक है, टिगर नहीं देना है बोर्ड को, देखो पावर बोर्ड में SMPS में पावर देना है, और कितना है 30 सेकेंड तक इसको रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18, काउंटिंग में गलत कर रहा हूँ, चलो 23 24 5 6 7 8, तो लगभग 30 सेकेंड हो गया। तो आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो, 1 मिनट तक भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो मैं भी कुछ ज़्यादा टाइम रख देता हूँ, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो इसको अभी ऑफ कर देते हैं, 30 सेकेंड इनफ है, आप चाहो तो 60 सेकेंड तक भी रख सकते हो। अभी इसका जम्पर जो है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, अभी देखो फिर से हम बोट को एक बार पावर ऑन करेंगे और टिगर देंगे। ठीक है, टिगर दिया,
B7 नहीं, ये काम नहीं बना। तो ये प्रोसेस हमारा बोर्ड में काम नहीं बना। चुप हो जा। तो ये प्रोसेस हमारा बोर्ड में क्या है, काम नहीं बना। अभी ये प्रोसेस मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभार कुछ कुछ बोर्ड में काम बन जाता है, ठीक है। 6-2 के बाद ये ऑफ हो रहा है। तो अभी नंबर 2 पे जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा गया। तो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा, सॉरी बोर्ड को तो दिखाना पड़ेगा, बोर्ड को फिर से पावर देना है और एम बायस जो है इसका एक नंबर पिन, सॉरी फोन दिख नहीं रहा, बोर्ड को पावर देना है और इसका जो एम बायस है एक नंबर पिन और 6 नंबर पिन, मतलब 1 एंड 6, 1 और 6 दोनों पिन को 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है, ठीक है। हो नहीं रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा मुझे। एक नंबर पिन और नंबर 1 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, हो गया 30 सेकेंड। फिर से एक बार ऑफ कर देना है बोर्ड को। ये लाइट जाएगा, फिर से पावर देना है और फिर से एक बार टिका दूंगा मैं। कार्ड दिख रहा है ना, हाँ चलो देखो, अभी 00 कोड पे अटक गया है, कोड का वेरिएशन हो नहीं रहा है। चलो इस पोर्ट में नहीं होता है कोड का वेरिएशन। एक सेकेंड, पोर्ट चेंज कर देते हैं। क्या कंडीशन है, B7 6-2, नहीं काम नहीं बना। तो देखो अभी जो दो प्रोसेस दिखाया, ये अगर बायोस में कभी कभार छोटा मोटा दिक्कत आता है, छोटा मोटा दिक्कत आता है, तो ये जो अभी दो प्रोसेस दिखाया इन प्रोसेस में से ही कभी कभार सॉल्व हो जाता है, पर क्या है ज़्यादातर सक्सेस नहीं मिलता है। और अभी जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके दिखाया है, ये ओनली फॉर डुअल बायोस में काम करता है, सिंगल बायोस में ये काम नहीं करता है। अगर किसी भी बायोस में डुअल बायोस लगा हुआ है तो ये प्रोसेस कभी कभार काम आ जाता है, क्योंकि ये रिकवर हो जाता है। पर अभी ये हो नहीं रहा है, मेरे ख्याल से दोनों चिप का ही मी रीजन बायोस रीजन में कुछ इशू है। तो इसको हम ऑफ कर देंगे। अभी दोनों जो प्रोसेस था ये हमारा कोई काम का नहीं रहा। तो अभी थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस तो सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये दोनों चिप को ही आपको रिमूव कर लेना है और किसी भी एक चिप पे ये एक ऑफिशियल बायोस डाल के मेन बायोस पे डालना है। तो हम इसको करके रेडी करके वीडियो को एंड करेंगे, इसका डिस्प्ले देख के ही छोड़ेंगे। तो चलो मैं रेडी कर लेता हूँ, आप बने रहो, मैं वीडियो कुछ टाइम के लिए पॉज कर लूँगा, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। तो बोर्ड का आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हो, DA B0, DA B0, इसी बोर्ड को ही दिखाऊंगा वीडियो पॉज होने प्ले होने के बाद, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो मैंने इसका दोनों चिप जो है दोनों को ही रिमूव कर दिया, ये देख सकते हो यहाँ पर रखा हुआ है। अभी इन दोनों चिप में से कई भी एक चिप आप ले सकते हो, इनमें से जो भी चिप, किसी भी एक चिप में ऑफिशियल बायोस डालो। और मेन बायोस जो है इसका ये है, मेन बायोस, मेन बायोस में आप मतलब इंसर्ट कर दो तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलो वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर जाओ। तो बायोस मेरा रेडी है, प्रोग्राम मैंने डाल दिया है, हो गया। तो यहाँ पर एक सिंगल पीस है और एक पीस में ये मेन बायोस पे अभी हमें क्या करना है, इसको डालना है, ठीक है।
मेन बस पीस को डालना है, और इसका डालने से पहले जो सीमोस सेल है इसको पहले एक बार आप रिमूव कर लो, इसको हटाओ। और ये थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी, ये घुमाना पड़ेगा इधर, और एक चीप जो है मैं साइड कर देता हूँ, नहीं तो कहाँ गया मेरा बायोस का, ओ यहाँ पर। ये सिंपली मैं इसको लगा दूंगा, यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। बस इसे सिंपली कर लेता हूँ, बाद में इसको फाइनल टचअप करेंगे, ठीक है। पहले बस देखना है, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए, और यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। क्लीन कर लिया, अब इसका जो सेल है सीमोस का इस पर डाल देना है। अभी ये देखो वीडियो पॉज बस था जो भी था, तो वही है DA-B0, ठीक है, वही बोर्ड चल रहा है यहाँ पर। बस अभी हमें देखना है इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ है कि नहीं। कहाँ गया कार्ड, ये है कार्ड, तो इसको चलाते हैं एक बार, देखते हैं आगे जाता है कि नहीं कोड। तो ये लो टिगर दे दिया, एक आईसी जो है यहाँ पर है अभी भी, 32 ये ऑफ हुआ है। बायस करने के बाद ऐसा होता है, एक बार रीस्टार्ट, एक दो बार हो जाता है रीस्टार्ट, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। क्या है, किसका एरर आ रहा है, ये सीपीयू का? तो सीपीयू का एरर नहीं आना चाहिए था, पर क्यों नहीं आ रहा है? चलो एक बार विदाउट रैम पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी पहले जो रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा था, रीस्टार्ट अभी नहीं हो रहा है। तो हाँ, अभी ये जो है हमारा रैम का एरर आ रहा है, मतलब बायोस हमारा सही हुआ है फिर भी डिस्प्ले हमें अभी भी नहीं मिला, ठीक है। तो हाँ, अभी रैम का एरर है, तो एक बार रैम स्लॉट को चेंज कर ले करके देख भी लेते हैं। से पावर रीस्टेट वाला प्रॉब्लम हमारा जो है फिक्स हो गया, मतलब बायोस से ही ये जनरेट हो रहा था। B7 6-2, हाँ हो गया। B2 ये फिर से ऑफ हुआ है, पता नहीं क्यों। V2 A9 आ गया, आ गया AD। चलो देखो अभी ये AD आ गया, डिस्प्ले आ गया, बीप नहीं किया। ये जो बजर है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बार ये स्टार्ट करते हैं और बजर को पकड़ के रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस बार भी हमें बीप नहीं मिला, पर डिस्प्ले इसका आ गया, बीप नहीं मिला, कुछ होता है बस इसका,
सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ, इसका डिस्प्ले आ गया है और ये जो बोर्ड हमारा पहले रिस्टार्ट हो रहा था बार बार B2 जाके, वो फिक्स हो गया। और ये देखो कीबोर्ड मैंने डाला और हमारा जो है ये कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ गया। ये देखो कीबोर्ड डाला, डिस्प्ले आ गया। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके साथ साथ ही डिस्प्ले भी जाएगा और रिस्टार्ट के साथ। ये देखो बीप नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो चला गया, रिस्टार्ट करने के साथ ही चला गया। अभी देखो फिर से ये डिस्प्ले भी आ जाएगा, ये देखो ब्लू लाइट आ गया यहाँ पर 99 आने के साथ साथ ही। और ये है नमलॉक, मतलब बीप नहीं कर रहा है, कुछ इशू है। अभी एक चीज़ जानना है आपको, अगर आप एक चीज़ बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ। अभी एक चीज़ आप देखो, आप किसी भी काम पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट ना करने के वजह से आपका क्या हालत हो सकता है। देखो इतना टाइम ये सीख रहा था, अभी सीखते सीखते अचानक रैम ले लिया, ये रैम आधा एक रैम मेरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये इसके हाईनेक का रैम था, ये देखो 2 GB का था, ये पूरा रैम का चिप उखाड़ दिया, पूरा रैम का चिप उखाड़ दिया इसने मेरा, मतलब 300 का नुकसान कर दिया। अभी देखो एक कैपेसिटर उठा के ये खा रहा है, SMD कैपेसिटर ये खा रहा है। तो ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो आज थोड़ा जल्दी काम पे बैठा हूँ, थोड़ा सा इसको ले के टाइम दे रहा था। ये है हमारा बिट्टू, ये देखो ये रैम को छोड़ेगा नहीं जो भी होगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। रैम का तो बैंड बजा दिया, लव यू ऑल, जय हिंद।